हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईबीएस की क्लर्क की निकली भर्ती के बारे में। इसकी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसकी आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी इसको आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगी। इससे प्रीवियस में आप लोगों के लिए फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन की कम्प्लीट जानकारी दे चुका हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले हम नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट क्लर्क के लिए है। पार्टिसिपेट बैंक आपका सीआरपी क्लर्क आपका 11th है। वैकेंसी 2022-23 के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री और मेन होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी पार्टिसिपेट बैंक लेने वाली है, उसके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ बैंक आपकी जो वैकेंसी रहेंगी स्टेट वाइज रहेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन 12/7 से लेकर 1/8 तक आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट 12/7 से लेकर 1/8 तक। ठीक है, आपका डाउनलोड कॉल लेटर को प्री एग्जामिनेशन 1 अगस्त 2021, आप कंडक्ट एग्जाम होगा 16/8/2021, डाउनलोड कॉल लेटर कर सकते अगस्त 2021 में। और ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आपका होगा 28 आपका रहेगा प्री का, 29 और 4/9/2021। तो रिजल्ट आपका जाएगा सितंबर या अक्टूबर में। डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर पे मेन 1 अक्टूबर 2021, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन 31/10/2021, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा अप्रैल 2022। तो ये है इसकी जानकारी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में दे सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है, आपकी आयु 20 से 28 होनी चाहिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है। रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और करियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम दो बार नाम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, फिर से आपको देना है। यहाँ पे आपको लास्ट नेम दो बार देना है, मिडिल नेम है तो वो भी दो बार देना है, मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको देना है, जैसे भी कोई भी आपका नंबर हो, मैं यहाँ पे ऐसे कुछ डाल देता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको दो दो बार देनी, अल्टरनेटिव है वो यहाँ पे देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देनी है, डोमेन नेम यहाँ पे आपको देना है, कंफर्म नेम ईमेल आईडी देनी है, और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप फोटोग्राफ सिग्नेचर रहेंगे, फिर हमारा डिटेल रहेगा, प्रीव्यू रहेगा, अपलोड रहेगा, पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आप जो जैसे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो देखिए डाटा एक्ट आपने इंटर किया है वो यहाँ पे आप उसका करेक्ट है, और यहाँ पे आप कोई चेंज और आप नहीं कर पाएंगे आपका कंप्लीट ओके करने के बाद। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब भी आप जो डाटा एंटर करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, उसके बाद चेंज करने के चांसेस कम रह जाए। तो ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशन में हो जाता है आपको चेंज दे के करा देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको जब भी डाटा करें तो सही तरीके ध्यानपूर्वक से ही करें। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले चलते हैं अब फोटोग्राफ के लिए। यहाँ पे देखिए आपको फोटोग्राफ की गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी, मैं फोटोग्राफ की गाइडलाइंस दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको देखिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, साइज आपको दे रखा है 200 से 230 पिक्सल, यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हैंड आपका सिग्नेचर के बारे में दे रखा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में साइज दे रखा होगा, और आपका थंब इंप्रेशन के बारे में दे रखा, तो ये सब साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख ले सकते हैं, तो सैंपल के रूप में दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है फोटो और यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमारी क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंस यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दे सकते हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो यहाँ पे आप बता दें, जैसे मैं जनरल में हूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ, इकोनॉमिक सेक्टर हूँ तो बता सकता हूँ, जो भी है यहाँ पे आपको अपना बताना है। क्या आप फिजिकली डिसेबल है, यस या नो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप पूछा जाएगा, जिस टाइप से आप है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस टाइप की डिसेबिलिटी उस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप दूसरे टाइप की होगी तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है कि आप फिजिकल गाइडलाइंस है, आपको यूज कंपल्सरी टाइम है तो यस या नो करना होगा। जिस टाइप की डिसेबिलिटी उसी के अनुसार यहाँ पे आपके ऑप्शन एक्टिवेट होते रहेंगे। कि आपको राइटिंग सर्वलेस पैरालिसिस है तो यहाँ पे आपको राइटिंग इफेक्टेड है, यस। यहाँ पे आपको टाइम चाहिए, यस। इस तरीके से आपको करना है, वेदर यू डोमिनेंट राइटिंग हैंड इफेक्टेड, यस या नो करना है। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे इफ यू डू नीड, आपको कंपलसरी टाइम यहाँ पे आपको बताना है यस। यहाँ पे आपका आर यू फिजिकली गाइडलाइंस एलिजिबल टू सर्विस, इस टाइप की आपको चाहिए यस या नो करना है। आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर और दोस्त डाइड 1984 यस या नो करना है। रिलीजन आपका क्या है उसके बारे में बताना है, जो धर्म है यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने धर्म को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको बताना है आपका माइनॉरिटी धर्म में आता है यस या नो कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका रेंडर आपका सर्विस कितनी उसके पीरियड के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम आपका डिफेंस सर्विस, यहाँ पे आपको तारीख बतानी है। मंथ यहाँ पे बताना है, ईयर बताना है। हैव यू जॉइंट गवर्नमेंट जॉब सिविल आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट एक्स सर्विसमैन और यस या नो करना है, ठीक है। क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन या सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है क्या आपका आर यू मैट्रिक आपके एक्स सर्विसमैन हु ऑब्टेन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे यस या नो करना है। आपको परसेंटेज ऑफ मार्क के बारे में यहाँ पे बताने होंगे, ठीक। इसके बाद आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर विडो डिवोर्सी वुमन, यस या नो करना है, ठीक। यहाँ पे बताना है आपको हैव यू अपीयर्ड आपका सी डब्ल्यू ई सी आर पी क्लर्क कैडर आफ्टर लियर, यस या नो। यहाँ पे हाउ मेनी अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दिए तो उसके बारे में बताना है, और कौन से अटेम्प्ट दिए तो उसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो इससे पहले कौन सा अटेम्प्ट किया था वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेशनल और सिटीजनशिप यहाँ पे आपको बतानी है, इंडियन। वैकेंसी आपको बतानी है, आपकी ऑफ स्टेट की किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सिंपली आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना प्रदेश को। यहाँ पे सेंटर आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन क्या रहेगा उसके बारे में बता सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको बतानी है, आपका एग्जिट आईडी प्रूफ क्या लेना चाहते हैं, पैन कार्ड पासपोर्ट जो भी है यहाँ पे आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो आइडेंटी एम्प्लॉयमेंट आईडी यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने कर दिया है, आईडी प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपकी आयु दिखने, आपका जेंडर मेल फीमेल आप बता सकते हैं। आपका डू यू हैव बीन ट्विन ब्रदर, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यस करेंगे तो देखिए उसके बारे में आपका जो ब्रदर है जो भी है सिस्टर है वो क्या है, मेल फीमेल है यहाँ बताना, नेम उसका ट्विन का नाम बताना है, आपकी शादीशुदा है या विडो है उसकी जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ फादर नेम मदर नेम स्पाउस का नेम एड्रेस 1, 2, 3 यहाँ पे आपको बदले की पूरी जानकारी देनी, डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड यहाँ पे बताना है, अगर सेम है इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे आपका जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो एड्रेस है वो जीएसटी कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं परमानेंट, तो जो आप रखना चाहते हो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी एरर होगी आपको दिखाई दे जाएगी उसको आप सही करेंगे, उसका सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका प्री एग्जाम का आपने सेंटर सेलेक्ट किया, उसका मेन एग्जाम का यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये चार ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से चार पांच ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जाएगी ये फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वन एरर फाउंड आई है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईयर के बारे में आ गया, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है कि फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो ईयर है वो आपको दोबारा से देनी पड़ सकती है कभी कभी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने दे चुका था। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन लेवल क्या है उसके बारे में बताना है, जो आपने कर रखा है। जैसे मैं बीए सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रीम यहाँ पे देखिए मार्क्स डाल देता हूँ, यहाँ पे डेट तो आपको पासिंग बतानी है, परसेंटेज क्या थी आपको, किस क्लास ग्रेड क्या थी फर्स्ट डे यहाँ पे बताना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रीम बताना है, उसी तरह डेट ऑफ पास आपको बतानी है, ईयर यहाँ पे बताना है, सॉरी परसेंटेज यहाँ पे बताना है, ठीक है। ईयर के और यहाँ पे बाद परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है ग्रेड, ठीक है। इसके बाद अगर अदर ऑप्शन क्वालिफिकेशन अदर है तो बता सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कंप्यूटर की नॉलेज पे यस करना है, क्योंकि मैं वहाँ से बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको जैसे सर्टिफिकेट आपका है तो किस टाइप का है, सम कंप्यूटर ऑफिशियल लैंग्वेज का है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो ये इसका आपको नोटिफिकेशन भी देखने मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आपको बताना है, अगर प्रेजेंटली आप काम कर रहे हैं तो यस बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। कब से लेकर कब तक काम किया था उसकी तारीख बता दें, नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में यहाँ पे जानकारी है, रीजन फॉर लिविंग बता दें, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको बता सकते हैं क्या फॉर द सेव आपका
आपका कैंडिडेट प्री एग्जाम टाइम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस आपको यहाँ पे रहना है पॉसिबल होल्ड प्री एग्जाम यस या नो आप कर सकते हैं ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना है इफ ये आप इस यस सेंटर ट्रेनिंग विल बी सिलेक्टेड आपको वेदर यू हैव एनी पोजीशन आपका डिटेंशन फाइन आप कन्वेक्शन आपका अवार्डेड बाय एनी कोर्ट लो आपके ऊपर है यस या नो कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना अगर है यस करते हैं तो उस केस में आपको उसकी पर्टिकुलर सीएम के बारे में जानकारी देनी लैंग्वेज आप जो बोल सकते हैं उसके बारे में आप आपको रीड राइट आपको उन पर क्लिक कर देना है ठीक है। उसके वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करेंगे फिर इसका सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है। देखिए फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज के बारे में पता आपको आएगा कि बात कंप्लीट होने प्रेफरेंस आएगी तो यहाँ पे आप जिस बैंक को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो मैं उसको दूंगा जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको मैं पहले देना चाहता हूँ फिर कैनरा बैंक है इसके बाद हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है बैंक ऑफ इंडिया है बैंक ऑफ बड़ौदा है तो जिस बैंक को आप देना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं ठीक है। अपने अनुसार जो आप उस अनुसार यहाँ पे आपको दे जाएगी सबसे अच्छी जो बैंक आपको लगती है सर्विस में उसके बारे में बैकग्राउंड पता करें उसके बाद आपको दे उसके हिसाब से यहाँ पे अपने आप दे सकते हैं ठीक है। तो वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए जो मेरा फॉरम था उसका जो प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे आई कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा नीचे फोटो के नीचे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए आई एग्री पे कंफर्म करूंगा यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे आपको ये सब पे क्लिक करें कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया आर यू श्योर टू कंटिन्यू यहाँ पे आपको रहने देना है इस पर ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टर्म इंप्रेशन हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है आपका है सिक्योरिटी कोड है इसको आपको करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए जो कुछ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको करना है ठीक इसकी जो फोटो लेकर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है ठीक है। यहाँ पे अपलोड करेंगे जैसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है उसको आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन होगा वो आपको पेमेंट के गेटवे पे ले जाएगा आपको नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी आईबीबीएस में निकली भर्ती के बारे में इसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े इससे प्रीवियस मैं नोटिफिकेशन की जानकारी दे चुका हूँ तो नोटिफिकेशन की जानकारी के बाद ही पश्चात ही आप वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की आपको फॉर्म को भरने जाएं तो बेहतर रहेगा हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए फिर उसके हम रजिस्ट्रेशन पर जाएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी के वीडियो को देखने के